जिसमें हमको 500,000 स्टॉक रहते थे, उसमें से हमने फिल्टर करके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके हमने 20 स्टॉक पे लाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्विंग ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट जेनरेट करने के लिए, एक अर्निंग जेनरेट करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ही हमारा आगे का प्रोसेस डिपेंड करता है एंड रिटर्न भी डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, जो स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं, ट्रेड लेते हैं, उसमें मोमेंटम नहीं आता है, एंड जो स्टॉक पे हम ट्रेड नहीं लेते उसमें कंटिन्यूअस एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो राइट टाइम पे राइट स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बट रिटेल ट्रेडर कैसे राइट टाइम पे राइट स्टॉक सिलेक्शन करे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास कोई कोई स्कैनर नहीं रहता है, सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, क्योंकि वो सब मोस्टली पेड रहता है, तो रिटेल ट्रेडर के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो वो केस में कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करें, तो वो केस में मोस्टली हमको मैन्युअली स्टॉक सिलेक्शन करना रहता है। बट मैन्युअली स्टॉक सिलेक्शन करना भी इतना इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे तो उसमें 50 स्टॉक है, निफ्टी 100 है उसमें 100 स्टॉक है, निफ्टी 200, 500, मिड कैप इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स, तो मोर देन 5,000 स्टॉक लिस्ट है। तो इतना सारा स्टॉक लाइव मार्केट में एट ए टाइम ट्रैक करना रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो केस में कैसे हम स्टॉक सेलेक्शन करें, कैसे हम ट्रेड ले, स्विंग ट्रेड ले, वो डिस्कशन करेंगे। मैं पर्सनली कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कितना वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में कितना स्टॉक है, लाइव मार्केट में कितना स्टॉक में ट्रैक करता हूँ, डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। करंट के लिए देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया, तो आप मोबाइल पे भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप ट्रेड भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट किया स्टॉक फिल्टर बोल के। तो इतना स्टॉक में लाइव मार्केट में ट्रैक करता हूँ, मतलब अभी मेरा जो स्टॉक फिल्टर है इसमें 16 स्टॉक है। तो ये 16 स्टॉक ही, 15-16 स्टॉक ही मैं लाइव मार्केट में ट्रैक करूँगा। तो ये स्टॉक फिल्टर मैंने कैसे किया वो डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे पहले तो मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट किया स्टॉक 2022, स्टॉक 2023, 2024, ऐसा मैंने ईयर वाइज मैंने वॉच लिस्ट प्रिपेयर किया। तो ये वॉच लिस्ट मैंने कैसे प्रिपेयर किया, जैसे मैंने पहले ही डिस्कशन किया कि बहुत सारा स्टॉक लिस्ट है, 5,000 के ऊपर स्टॉक लिस्ट है, तो इतना स्टॉक हम कैसे ट्रैक करें। तो प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए मैं क्या किया, जो रिसेंटली जो स्टॉक लिस्ट हो रहा है, जैसे 2024 करेंट ईयर पे जितने स्टॉक लिस्ट हो रहा है, तो उसका मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया, वॉच लिस्ट प्रिपेयर किया। सेम प्रीवियस ईयर पे 2023 पे जितना स्टॉक लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में आईपीओ थ्रू, तो उसका मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया। बाद में 2022 का भी मैंने ऐसा लिस्ट प्रिपेयर किया। तो कैसे लिस्ट प्रिपेयर किया वो भी आगे हम देखें। मैंने क्यों लिस्ट प्रिपेयर किया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इतना स्टॉक ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक रहता है तो मार्केट में कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए मैं ये ऐसा प्रोसेस फॉलो करता हूँ। एंड दूसरा रीज़न ये है कि मैं मोस्टली जो सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेड लेता हूँ, अगर मुझे पहले से आप फॉलो करते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। जो स्टॉक मार्केट में न्यूली लिस्टेड स्टॉक रहता है आईपीओ थ्रू जो रिसेंटली लिस्ट होता है, तो उसमें मैं एक सेटअप फॉलो करता हूँ। तो वो सेटअप जैसे फॉर्म होता है तो वो सेटअप पे मैं ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ। तो कौन सा सेटअप मैं फॉलो करता हूँ तो उसका भी मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आपका सेटअप का भी आइडिया आएगा। तो क्योंकि मैं आईपीओ स्टॉक में मैं ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ, तो वही उसके लिए मैंने ईयर वाइज मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया। एंड वहाँ से मैंने फिल्टर करके एक फिल्टर लिस्ट बनाता हूँ, एक शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करता हूँ, एंड बाद में फिर वहाँ से मैं ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ। तो ये लिस्ट आपको कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप कैसे ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक 2022 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए 35 स्टॉक दिखा रहा है। तो ये स्टॉक आपको पाने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ से आपको ये स्टॉक मिलेगा, तो यहाँ पे आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, मेन बोर्ड आईपीओ 2024। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए आपको बहुत सारा लिंक आ गया, कोई भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कभी कभी कैसा होता है, जो एसएमई स्टॉक है ना वो भी आ जाता है लिस्ट में, तो वो आपको नहीं लेना है। हम जो मेन बोर्ड स्टॉक रहता है, जो बड़ा आईपीओ रहता है, मेन बोर्ड स्टॉक जो रहता है, तो वो स्टॉक ही हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे 2023 का, 2024 का यहाँ पे लिस्ट आ गया।
तो 2024 पे जितना स्टॉक अभी लिस्ट हो रहा है या अपकमिंग है उसका भी देखिए दो तीन स्टॉक का नाम आ गया है, और नीचे देखिए आपको ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक का नाम आ गया, एंड यहाँ पे डेट भी आ गया कितना इशू साइज था, कब लिस्ट हुआ, डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ से आपको एक एक करके यहाँ पे स्टॉक ऐड करना है, वॉच लिस्ट पे ऐड करना है। अभी तक 2024 पे 35 स्टॉक लिस्ट हुआ, इसमें एक दो कम ज़्यादा हो सकता है। सेम ऐसे मैंने 2023 का लिस्ट प्रिपेयर किया था, तो यहाँ पे देखिए 54 स्टॉक था। बाद में मैंने सेम ऐसा 2022 का भी मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया था, तो यहाँ पे 38 स्टॉक है। तो इसके आगे भी जा सकते हैं आप, तो मेरे हिसाब से इतना आगे जाने का भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का भी अगर आप ट्रैक करेंगे ना तो भी आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि जितना आप आगे जाएंगे नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, आपको ट्रैक करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये भी लास्ट 3 ईयर्स का मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ, तो इसमें टोटल स्टॉक देखिए लगभग 100 के ऊपर है, 120 130 के आसपास अभी टोटल है लास्ट 3 ईयर्स का। तो मैं ये 120 स्टॉक का, सपोज 120 स्टॉक ही है लास्ट 3 ईयर्स का, तो ये 120 स्टॉक का पहले मैं फंडामेंटल चेक करता हूँ, बेसिक लेवल पे फंडामेंटल चेक करता हूँ। एंड फंडामेंटल पे मैं क्या क्या चेक करता हूँ तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया था सिलेक्शन के ऊपर, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे आज का वीडियो पे हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, आगे हम और भी वीडियो लाएंगे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, तो आज हम उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे, बाद में देखिए अभी 2024 का ही मैं डिस्कशन करता हूँ। जैसे 2024 पे अभी 35 स्टॉक है, तो पहले मैं ये 35 स्टॉक का फंडामेंटल चेक करूँगा। तो फंडामेंटल चेक करके सपोज ये 35 स्टॉक से 10 स्टॉक डिलीट हो जाता है तो हमारा 25 हो गया फंड, मतलब फर्स्ट फिल्टर करने के बाद 25 स्टॉक आ गया। बाद में ये 25 स्टॉक का फिर से मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, तो टेक्निकल में सपोज फिर से 10 स्टॉक सपोज टेक्निकली वीक है तो वो स्टॉक हम डिलीट करेंगे तो 15 स्टॉक रह गया। तो ये 15 स्टॉक हम यहाँ पे जो हमने लिस्ट प्रिपेयर किया स्टॉक फिल्टर, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एंड उतना स्टॉक ही हम लाइक मार्केट में ट्रैक करेंगे। सेम आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का भी आप कर सकते हैं, तो टोटल आपको ज़्यादा स्टॉक ट्रैक करना नहीं रहेगा। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा स्टॉक ट्रैक करना नहीं रहेगा, आपका मैक्सिमम 20-25 स्टॉक रहेगा, तो वहाँ से फिर आपको ट्रैक करना रहेगा। देखिए पहले कितना स्टॉक था हमारा, बहुत सारा स्टॉक था, तो वहाँ से हमने फिल्टर करके अभी प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाई किया, जिसमें हमको 500,000 स्टॉक रहते थे उसमें से हमने फिल्टर करके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके हमने 20 स्टॉक पे लाया। तो ये 20 स्टॉक का ही हमको ट्रैक करना रहेगा, एंड डिटेल देखिए जो फिल्टर का जो हमने डिस्कशन किया, फिल्टर पे हमने इतना डिस्कशन नहीं किया, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया था तो उसका लिंक मैं रख दूंगा, तो वहाँ से आपको कैसे मैं फिल्टर करता हूँ उसका आपको एक आइडिया आ जाएगा, कैसे मैं स्क्रीन करता हूँ स्टॉक, शॉर्टलिस्ट कैसे करता हूँ उसके ऊपर आपको रेफरेंस आएगा। एंड देखिए फ्रेंड्स, आप जितना प्रोसेस सिंपल रखेंगे ना उतना आपके लिए ईजी रहेगा, उतना आपके लिए सिंपल रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।